सावन के महीने में भगवान शिव के निमित्त उनके मंत्रों का जाप विशेष फलदायी बताया गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव के महामृत्युंजय संपूट मंत्र का जाप विशेष फलदायी बताया गया है। भगवान शिव के संपूट महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से जहां व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती तो वहीं असाध्य रोग भी खत्म हो जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव का संपूट महामृत्युंजय मंत्र विशेष फलदायी है, जो व्यक्ति को बहुत से लाभ प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होने के साथ साथ उसके असाध्य रोग, शत्रु बाधा, रुके हुए काम सभी पूरे होने की मान्यता बताई गई है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सावन के महीने में यदि भगवान शिव के निमित्त उनके मंत्र का जाप हरिद्वार में किया जाए तो विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। संपूर्ण महामृत्युंजय मंत्र के बारे में और अधिक जानकारी करने के लिए हमने हरिद्वार के विद्वान ज्योतिषी पंडित श्रीधर शास्त्री से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। जैसा कि जितने भी भोले शंकर की स्तुतियां हैं या स्तोत्र हैं, उनका सभी का अलग अलग महत्व है, परंतु जो शास्त्रों के अनुसार जितना महत्व है संपुट मंत्र महामृत्युंजय अर्थात महामृत्युंजय का संपुट मंत्र जो होता है उसका विशेष महत्व है, अकाल मृत्यु नहीं होती और उससे अकाल मृत्यु नहीं होती, ये विशेष इसमें लाभ है। और ये महामृत्युंजय का उच्चारण हम किस प्रकार करें, महामृत्युंजय से रोगों से छुटकारा भी मिलता है और कई प्रकार की आदि व्याधि दूर हो जाती हैं। जैसा कि मंत्र में बोल रहा हूँ, ओम ह्रोम जूम सह ओम भूर्भुवस्व ओम प्रेम बकम यजा महे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मिव बंधनान मृत्योर मुक्षीय मामृतात् ओम स्वभुव भू स जूम ह्रोम ओम। इस प्रकार से ये संपुट मंत्र का उच्चारण किया है और संपुट मंत्र का यदि 1,25,000 महामृत्युंजय संपुट मंत्र किया जाता है तो अकाल मृत्यु नहीं होती। इसके अतिरिक्त कोई भी हमारा काम रुका हुआ है, शत्रु बाधा है, कोई हमारे कार्य रुके हुए हैं, भवन का निर्माण नहीं हो पा रहा है, कन्या की शादी नहीं हो पा रही है, इस प्रकार से कोई भी हमारे महत्वपूर्ण कार्य रुके हुए हैं, संपुट महामृत्युंजय से ये सब पूर्ण हो जाते हैं। और विशेषकर हरिद्वार में कराने का विशेष महत्व है। इस प्रकार यदि हम इसको करते हैं तो भोले शंकर की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहती है और हमें मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। असाध्य रोग जो हैं, जो भी असाध्य रोग होते हैं शरीर में, उनको भी महामृत्युंजय मंत्र से हमें उसमें भी सफलता मिलती है, अर्थात वो रोग भी ठीक हो जाते हैं।